नको असलेली लोक बाहेर जावा बरं. गर्दी करा कमी आधी. जेवरीस का नेहा ना दिव्या दिव्या जाको राके साइया मार सके ना कोई बाल न बाका कर सके जो जग भेरी होई. नमस्कार सतरेकाल आदाब केम छो कसकाय. तो दोस्तों काफी दिनों के बाद आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ और जैसे कि आप जानते हैं कि सांपों के कॉल कम है लेकिन कॉल है लेकिन काफी कम है क्योंकि सर्दी के मौसम में जैसे आप जानते हैं सांप कम बाहर निकलते हैं और हाइबरनेशन में चले जाते हैं. तो एक दो कॉल हमारे जो है वो चल ही रहे हैं लेकिन हर बार हमारे साथ कोई हो और हर बार सांप की वीडियो बनाना ये हर बार पॉसिबल नहीं होता, जरूरी नहीं होता. तो जब हमको मौका मिल जाता तो हम वीडियो बना देते हैं, अपलोड कर देते हैं. लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ खास बात लेकर आया हूँ. तो दोस्तों इस समय आपके सामने फिर से मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ और यह वीडियो काफ़ी अहम है क्योंकि फिर से हमारे एरिया में, हमारे पुणे के पिंपरी चिंचोड़ एरिया में मोशी करके एरिया है जहाँ पे फिर से एक सर्पदंश हुआ है और एक 7 साल की जो बच्ची है उसको कोबरा सांप ने काट लिया. और यह जो कोबरा सांप है इसकी उम्र तकरीबन होगी एक 1.5 साल के बीच में और 1.5 फुट के करीब इसकी लंबाई होगी. तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार हम लोग बताते हैं कि कोई भी सांप जो है वो किसी को काटने के लिए आता नहीं लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं हादसे हो जाते हैं. तो जिस तरह आपने देखा कि हम लोगों ने पिछली बार एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे एक मयूरी नाम की एक लड़की को सर्पदंश हुआ था और उस कोबरा सांप को मैंने और हमारे जो मित्र हैं राजू कदम हम लोगों ने इसको रेस्क्यू किया था और उसके बाद नेचर में रिलीज कर दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इसकी सूचना देकर. लेकिन बदकिस्मत ये थी कि लड़की 14 दिन जो है कोमा में रहकर उसने आखिर में दम तोड़ दिया क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जहाँ पे कुछ घर वालों की भी काफ़ी गलतियाँ थी. उन्होंने काफ़ी उसमें समय बर्बाद किया और ये समय कुछ छोटा मोटा नहीं, तकरीबन 3 घंटे का समय बर्बाद होने के बाद वो जिस हॉस्पिटल में गए वहाँ पे इलाज बराबर नहीं हुआ. उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट किया, वहाँ पे इलाज उसका बराबर नहीं हुआ जिसकी वजह से लड़की को जो है लड़की ने दम तोड़ दिया. काफ़ी दुख भरी घटना थी. तो फिर से अभी 2-3 महीने के बाद फिर से वापस ये किस्सा हुआ है. एक 7 साल की लड़की को सांप ने काटा पिंपरी चिंचोड़ एरिया में, मोशी करके एरिया है और लड़की का नाम है एजल. यह 7 साल की छोटी बच्ची है जो कि शाम के वक्त 15 तारीख को खेल रही थी और खेलते खेलते पेड़ के पास खेलते खेलते उस पेड़ के ऊपर जो है कोबरा सांप जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा था या नीचे आ रहा था ये तो कंफर्म नहीं हुआ लेकिन इसका हाथ जो है उस लड़की को लग गया कोबरा सांप को और उसने जो है प्रॉपर उसको बाइट कर लिया, दंश कर लिया. लेकिन जिस तरह उसको जैसे उसको काटा, काटने के तुरंत बाद 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर उसको जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए घर वाले जहाँ पे उसका इलाज तुरंत हुआ और वहाँ पे तकरीबन उसको 10 एंटीवेनम दे दिए. और उसके बाद जब हमको इसकी सूचना मिली तो हम वहाँ पे जाके लड़की को मिला और हमने जो उसको सरकारी हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवाया जहाँ पे मयूरी को हमने ट्रांसफर किया था. लेकिन वहाँ पे जाने के बाद हमने डॉक्टर को पूरी इस बात की सूचना दी और पिछली बार जो बड़ा हादसा हुआ था ये हादसा वापस ना हो इसकी वजह से डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उसका इलाज कराया और आज आप देख सकते हो कि उसको 20 एंटीवेनम दे दिए. लड़की खतरे से बाहर है, लड़की की जान को कोई खतरा नहीं है, उसको ऑक्सीजन भी निकाल दिया है और शायद मुझे लगता है कि आज शाम तक उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे. तो यह बताने का मतलब ये है कि जब भी सर्पदंश किसी को होता है तो हमको इसके अंदर समय को बर्बाद नहीं करना, वक्त पर हमको हॉस्पिटल पहुँचना है क्योंकि जब सर्पदंश होता है तो इंसान की जान बचने का सिर्फ 2 उपाय है, ये तो समय पर पहुँचना और उसका इलाज जो है वो सही तरीके से होना. तो आपको मैं एक बार दिखाता हूँ कि ये यही वो कोबरा सांप था, देखिए, जिसने वो छोटी जो बच्ची है 7 साल की जिसका नाम एजल है उसको सर्पदंश कर दिया. और दूसरी बात क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं कि सर्प मित्र जहां पे सांपों को बचाते हैं और जब ऐसा कुछ हादसा हो जाता है तो लोगों के मन में थोड़ा गुस्सा है, गुस्सा जाहिर होता है. सही बात है कि गुस्सा तो आएगा लेकिन ये बेजुबान प्राणी है, ये किसी को मारने के लिए आता नहीं है. जिस तरह हम लोग बोलते हैं ये भूख की तलाश में, शिकार की तलाश में भटक कर इंसानी बस्ती के आसपास आ जाता है लेकिन जब इसके ऊपर किसी का दबाव आता है या इसके सामने कुछ हलचल होती है तो उसको ये उस वक्त इसको ये नहीं पता होता कि वो किसी इंसान के सामने है. उसे इतना पता लगता है कि यहाँ पे मेरी जान को खतरा है और उसे मजबूरी में काट कर उसको भागना पड़ता है. तो आपने मयूरी के केस में देखा था, जब
सांप ने उसको काट लिया, और जब उनकी जो बच्ची थी जो मयूरी, ये जब मौत के दरवाजे पर थी, फिर भी उनके घर वालों ने हमको कहा था कि आप उस सांप को सही सलामत रेस्क्यू करना, उसको मारना नहीं, उसको जख्मी नहीं करना, और उसको उसके नेचर में छोड़ देना। तो ऐसे बड़े दिल वाले जैसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को तो हम सैल्यूट करते हैं, और थोड़ा सा दुख भी होता है कि उस वक्त हमने उस बच्ची को नहीं बचा सके, लेकिन होने के आगे जो है किसी की चलती नहीं है, जिसकी किस्मत में जितना लिखा है। लेकिन फिलहाल फिर से आपको बता देता हूँ, ये वही कोबरा सांप है जो पिंपरी चिंचोड़ में मोशी करके एरिया है, वहां पे एक 6 साल की बच्ची एजल नाम की लड़की जो है, इसको सर्पदंश हो गया। अभी लड़की जो है बिल्कुल खतरे से बाहर है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, और हो सकता है हफ्ते भर में वापिस अपने परिवार में चले जाए, और हंसी खुशी फिर वो अपने काम में आ जाए, फिर से अपने डेली रूटीन में आ जाएगी। तो न देर करते जल्दी से हम लोग इसको इसके नेचर में हम लोग मुक्त करते हैं, क्योंकि हर बार हम लोग बताते हैं जो नए सर्प मित्र भी है, जब भी आप किसी सांप को पकड़ते हो तो बिना वजह आपको उसको रखना नहीं, उसको पकड़ना, उसको तुरंत उसको जो है उसके नेचर में हमको पर्यावरण में उसको मुक्त कर देना है। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे जो है छोड़ देंगे। आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए काफ़ी गुस्से में है, इसकी फुंकार आप सुन सकते हो, ये देखिए। खतरा महसूस होने पर वो काटेगा ज़रूर, फिर वो ये नहीं देखता कि वो कौन है, वो सर्प मित्र है, एक आम इंसान है। तो आखिरी में मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि राजू कदम सर जो है हमारे जो मित्र हैं वो हमारे साथ में है, और जब इसको रेस्क्यू करने का जब हमको कॉल आया, जब हमको सूचना मिली ऐसा सा हुआ, तो उस वक्त मैं दूसरे कॉल पर बिजी था, तो हमारे मित्र राजू कदम ने जो है इस सांप को जो रेस्क्यू किया, यही वो सांप था एजल को जिसने काटा था। तो तुरंत जो हम लोग इसको पर्यावरण में छोड़ेंगे, तो मैं चाहूंगा कि कदम सर आपने इसको रेस्क्यू किया तो आपके हाथों से इसको मैं रिलीज करता हूं, तो आप आइए और अपने हाथों से इसको रिलीज कीजिए। तो कदम सर के हाथों से जो इसको रिलीज करेंगे, तो कदम सर आपने इसको रेस्क्यू किया तो आप ही इसको रिलीज करो। देखिए अभी इसको पता चल चुका है ये वो कोबरा सांप है, आपको एक बार जूम करके नजदीक से दिखाता हूँ। ये देखिए इसके फुंकार की आवाज़ आप सुन सकते हो, इसको तुरंत जो है इसको रिलीज करेंगे।